नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। पिछला सप्ताह मतलब ये कुछ हाइपर एक्टिव होता जा रहा है और देश में इन सारी चीजों के पीछे ऐसा लगता है कि अडानी जी की हरकत है, जिसकी वजह से पॉलिटिकली बहुत सी चीजें हो रही हैं, उसके विरोध या पक्ष में बहुत से स्टेटमेंट आ रहे हैं इत्यादि इत्यादि। मैं शुरुआत इसलिए अडानी जी के उससे कर रहा हूं कि अभी तक जैसा LIC और ये सब लोग कह रहे थे कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो जितना पैसा हमने लगाया था उससे ज्यादा उसकी वैल्यूएशन है, कल परसों वो स्टॉक मार्केट में पता लगा कि जो जितना पैसा उन्होंने लगाया था 30-31 हजार रुपए, उससे वो कम आ गया है, 10-11% कम हो गया। और मैं प्रोफेसर साहब आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो उनके चेयरमैन हैं कुमार साहब, लखनऊ के रहने वाले हैं, मूल रूप से हैं साउथ इंडियन लेकिन लखनऊ में रह के पढ़ाई लिखाई की है, उनको ये 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है और अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका एक्सटेंशन मिलना और अडानी जी में पैसा लगाने में एक कोई पैटर्न कहीं ना कहीं लगेगा। तो पहली चीज, अब आम आदमी भी को भी मार पड़ गई है और कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि जब वैल्यूएशन ज्यादा थी तो आपने उसको प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया। अभी आनंद जी, आपने अभी जो बात आप कही है ये बहुत बेचैन कर देने वाला तथ्य है, क्योंकि इससे पहली बार ये हकीकत सामने आई है कि जो आम आदमी है जिसकी जीवन बीमा निगम में आस्था है और करोड़ों करोड़ों भारतीयों ने जीवन बीमा निगम में अपना पैसा लगाया है, बहुत से लोगों ने उसकी पेंशन स्कीमें खरीदी हैं, बहुत से लोगों ने बच्चों के नाम बीमा करवाया है और वो लगातार भक्तिपूर्वक निष्ठापूर्वक साल दर साल अपनी किश्त भी भरते हैं, तो ये जो तथ्य सामने निकल के आया है कि अदानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद में अदानी के शेयर बाजार में लगातार मार खा रहे हैं और मार खाते खाते अब स्थिति यह है कि वो 60% से ज्यादा नीचे गिर गए हैं। उसका परिणाम ये निकला है कि जीवन बीमा निगम ने जो रुपया अदानी में लगाया था, यानी जीवन बीमा निगम ने जिस कीमत में अदानी के शेयर खरीदे थे उससे भी 11% तक उन शेयरों की कीमत नीचे गिर गई है। यानी अब जीवन बीमा निगम को अपने पिछली दावेदारी के मुकाबले अगर देखा जाए तो 11% का मूलधन में नुकसान हो गया है। आप समझ रहे हैं ना, ये मूलधन में नुकसान है, यानी जो उन्होंने मूलधन लगाया था, निवेश किया था, उसके अंदर नुकसान, उनका जो मूलधन है वो गिर गया है। आमतौर पर बैंक में जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो जो हेरफेर होता है 19-20 होता है वो उसके ब्याज दर में होता है जी। जब आप उस फिक्स डिपॉजिट को आप वक्त से पहले निकालते हैं तो बैंक थोड़ा ब्याज दर में आपको 1-2% ब्याज कम देता है, लेकिन आपका मूलधन कभी नहीं छुआ जाता, मूलधन हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन जीवन बीमा निगम का जो मूलधन है, जो कि भारत की जनता का पैसा है, जो कि अदानी के शेयरों में लगाया गया है, वो 11% नीचे गिर गया है। ये एक बहुत बड़े संकट का विषय है और इसकी जवाबदेही सबके ऊपर है। इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, इसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, केंद्र सरकार पर है और उन तमाम अदानी समूह की और सरकार की आपस में जो साठगांठ है, इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, उसके जो बचाव करने वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात का जवाब दें कि जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है और इसका निदान क्या है, पहली बात। अब मैं दूसरी बात कहूंगा, जिस वक्त अदानी बहुत बड़े पैमाने पर कर्जे लेकर, वो कर्जे कहीं सस्ते थे और कहीं कुछ कम सस्ते थे, कर्जे लेकर अपने व्यापार को दिन दूना रात चौगना बढ़ा रहे थे, उस जमाने में जितने भी बाजार की छोटी मोटी मामूली जानकारी रखने वाले लोग भी जानते थे कि इस आदमी का अपने व्यापार का प्रसार करने का तरीका जो है बहुत जोखिम भरा है। अदानी का जो बिजनेस कौशल है, जो वाणिज्य कौशल है, उसकी सब लोग तारीफ कर रहे थे, आज भी सब लोग बहुत तारीफ करते हैं कि वो इस मामले में काफी कुशल उद्योगपति हैं। जो तेजी के साथ जो वो प्रसार कर रहे थे तो उसमें जो फैक्टर ऑफ रिस्क है, यानी जो जोखिम का तत्व था, वो बहुत ऊंचा था। उस ऊंचे तत्व को देखकर भारत के म्यूचुअल फंडों ने तय किया कि वो अदानी के व्यापार में पैसा नहीं लगाए। आप देखिए, म्यूचुअल फंड अदानी के शेयरों से हमेशा दूर रहे,
भारत के म्यूचुअल फंडों ने शुरू में निर्णय लिया था और आज तक वो अपने निर्णय पर कायम है कि वो इसमें पैसा नहीं लगाएंगे। ये इस बात का पहला सबूत था कि अदानी का शेयर खरीदने से पहले किसी भी व्यक्ति को जिसके पास जनता का पैसा हो उसे 100 बार सोचना चाहिए था। लेकिन जीवन बीमा निगम ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, पंजाब नेशनल बैंक ने धुआंधार अदानी के उद्यम में पैसा लगाया और आज वो सब लोग, अदानी सरकार, प्रधानमंत्री समेत ये तीनों, जिसमें जनता का पैसा, दो बैंकों जिनमें जनता का पैसा जमा है और जीवन बीमा निगम, कटघरे में खड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इनसे कोई खास सवाल नहीं पूछा जा रहा है, कोई जवाब तलबी नहीं हो रही है। ये जवाब इसी के साथ साथ में पीछे भी कुछ, इस कटघरे में जो लोग खड़े हुए हैं उनके पीछे कुछ और लोग खड़े हुए हैं, कुछ संगठन खड़े हुए हैं, उनमें एक संगठन है सेबी, जिसका काम शेयर मार्केट में और जो मुद्रा बाजार है पूरा का पूरा, चाहे प्रतिभूति बाजार हो चाहे शेयर बाजार हो, उसकी उसका नियंत्रण और विनियमन है। सवाल यह है कि इन लोगों ने, सेबी ने और दूसरी विनियमनकारी एजेंसियां हैं, उन्होंने इस चीज के ऊपर निगाह क्यों नहीं रखी? तो जैसे ही हम इस प्रश्न को उठाते हैं, वैसे ही हमें सेबी के इतिहास पर निगाह डालने का मौका मिलता है। तब हम देखते हैं कि ये संस्था, अगर आप इसमें हम और हमारे आप जैसा आदमी जाके शिकायत करें कि भाई इस शेयर, इस दलाल की वजह से, चाहे वो केतन पारेख हो, चाहे वो हर्षद मेहता जैसा कोई दलाल हो, चाहे वो मंदड़िया हो, चाहे वो तेजड़िया हो, हमारा जो पैसा, इन्वेस्टर्स मनी जो लगा हुआ है उसको नुकसान होने का अंदेशा है, इसकी जो गतिविधियां हैं ठीक नहीं है, इसने अपने शेयरों को कृत्रिम तरीकों से और साजिश करके और शेल कंपनियों के जरिए खुला रखा है, तो सेबी क्या करती है कि उसकी जांच करना शुरू करती है उस शिकायत की, और फिर बरसों बरस बीत जाते हैं, उस शिकायत की जांच पूरी नहीं होती। एक एक प्रकरण में 20 साल लगाते हैं जांच को पूरा करने में। ऐसे भी कई प्रकरण हैं। अगर आप 1980 में रिपोर्ट करेंगे तो 1990 में रिपोर्ट करेंगे तो पता चला कि वो 2015 में जाके उसकी रिपोर्ट आ रही है। तो इस तरीके से जिन ये बाजार का नियंत्रण और नियमन करने वाली संस्थाएं हैं भारत में, इस तरीके से काम करती हैं। तो ये जो स्थिति है, ये पूरे शेयर बाजार की प्रक्रिया को, उसमें जो निवेश है उसमें ऐसे लोगों के लिए पूरी तरीके से असुरक्षित बना देती है जो खुद उसकी बहुत गहरी जानकारियां नहीं रखते हैं, जिन्हें सरकार की इस ताकत पर भरोसा है कि भाई वो हमारे निवेश की रक्षा किसी तरीके से करेंगे। तो अडानी के प्रकरण ने इस बात को भी पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि भारत का जो नियंत्रण और नियामक तंत्र है वो उसमें पूरी तरीके से मेरे ख्याल से आमूल चूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि कमेटी बने और उसकी जांच पड़ताल हो। हालांकि बाजार समर्थक टिप्पणीकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के खिलाफ अखबारों में लिख रहे हैं। जी जी, मैं प्रोफेसर साहब एक चीज और ये कहूं, ये तो इसका एक आर्थिक पक्ष, इसका एक पॉलिटिकल फॉलोआउट भी है, और पॉलिटिकल फॉलोआउट ज्यादा बड़ा है। मोदी जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं और मोदी जी बिल्कुल चुप हैं, और मोदी जी को और भाजपा को करने के लिए जो लेटेस्ट अभी इस मैदान में उतरे हैं उनको डिफेंड करने के लिए वो एस जयशंकर साहब हैं। मैं जल्दी से एक दो चीजें करके आप एक साथ सबकी टिप्पणी कर दिएगा। जयशंकर साहब ने एक तो विक्टिम कार्ड खेला कि मेरे पिताजी के साथ इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने कैसा उनको सुपरसीड कराया था इत्यादि इत्यादि, लेकिन उसमें ये नहीं बताया कि 2002 के गोधरा नरसंहार के लिए उन्होंने भाजपा सरकार को असुर और क्या क्या कहा था, ये उन्होंने नहीं बताया। दूसरा उन्होंने कहा चाइनीज वाली बात कि चाइना बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी हैं तो हमें अपनी जगह मालूम होनी चाहिए, हम उनसे नहीं लड़ सकते हैं जो। और तीसरा उन्होंने जॉर्ज सोरेस की बात की, जो उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत को खराब देखना चाहती हैं। जॉर्ज सोरेस अगर खराब है तो उनके तीन इंस्टीट्यूशंस के नाम आए हैं जहां पे जॉर्ज सोरेस ने पैसा दिया है, और उसमें इनके जो अपने लड़के हैं वो तीनों जगह काम किए हैं। और एस जयशंकर इससे नहीं बच सकते हैं कि मुझे पता नहीं था, वो जिस स्थान पे बैठे हैं उनको पता है कहां की फंडिंग क्या होती। मैं तीनों का एक साथ, क्योंकि ये अब उतर गए हैं सरकार को डिफेंड करने के लिए इन सब मामलों। देखिए ये अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें लफाजी नहीं चलती है, आप झूठे तथ्यों को देके आप पतली गली से नहीं निकल सकते, पैसे का कोई विकल्प नहीं होता है।
अगर किसी का पैसा मारा जाएगा तो आप उससे कुछ भी कहते रहिए, उसके 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 कान में आप राष्ट्रवाद का मंत्र फूंकते रहिए, उसके कान में आप मोदी नामा पढ़, मोदी मोदी चालीसा पढ़ते रहिए, उसके कान में आप हिंदुत्व के का गुणगान करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लगातार पूछेगा कि भाई हमारे पैसे का क्या हुआ। तो ये एक अदाणी प्रकरण, एक ऐसा प्रकरण है जिसमें मैं पहली बात कह चुका हूं, अखबार में लिख चुका हूं, मुहावरा ये है, इसमें नेशनलिज्म नहीं चलता है, इसमें रैशनलिज्म चलता है, इसमें भावनाएं नहीं चलती हैं। आप किसी की भावनाएं भड़काकर अचानक उसके लिए उसके खोए हुए पैसे को वापस नहीं ला सकते हैं। उसकी भरपाई होगी कैसे, सवाल इस बात का। जयशंकर साहब कुछ भी कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है। असली दिक्कत यह है कि जो मीडिया है वो इन चीजों को, इन नुकतों को नहीं उठा रहा है। जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ जब भी इस तरह के मसले उठते थे तो मीडिया उनको पिकअप करता था और फिर मीडिया मंचों पर उसकी अच्छी खासी चीड़फाड़ होती थी। आपको याद होगा कि जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और पूर्ति घोटाले का मसला सामने आया और मीडिया में उनकी खाल उतारनी शुरू की गई, तो फिर वो जाके मीडिया के पास गए और मीडिया मंचों में जाकर उन्होंने खुद अपनी सफाई भी रखी, मीडिया मंचों ने उन्हें मौका भी दिया, लेकिन उनकी खाल उतरती रही। बाद में उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। मतलब मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो एक बल्लेबाज तैनात किया था, भाई नितिन गडकरी को यह जिम्मेदारी देकर भेजा गया था उन्हें मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनने देना है, उसके बाद राजनाथ सिंह जी को यह जिम्मेदारी दी गई, तो वो विकेट जो है वो पूर्ति घोटाले की वजह से डाउन हो गया और उसमें मीडिया की प्रमुख भूमिका थी। तो सवाल यह है कि मीडिया, ये भूमिका जो नितिन गडकरी के मामले में मीडिया ने पहले निभाई थी, या आप सोचिए जिस वक्त अन्ना हजारे ने अपना अनशन शुरू किया और उसके ऊपर कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने, मनीष तिवारी ने, उल्टी सीधी टिप्पणियां की, उसके बाद मीडिया ने जिस तरीके से इस मसले को उठाया, उसके बाद मनीष तिवारी को तो भागकर कहीं एक कोने में अपना मुंह छिपाना पड़ा, वो तो कहीं जाकर छिप गए और बहुत लंबे अरसे तक वो सामने ही नहीं आए। ये भूमिका मीडिया नहीं निभा रहा, मीडिया इसकी उल्टी भूमिका निभा रहा है। वो अदाणी के मसले को कारपेट के, कालीन के तले डालने के लिए सरकार की पूरी मदद कर रहा है। अगर मीडिया का एक हिस्सा, मैं पूरी मीडिया की नहीं बात कर रहा हूं, एक हिस्सा भी अदाणी के मसले को उठा ले, मैं फिर कह रहा हूं अदाणी जी बहुत उम्दा और होशियार किस्म के उद्यमी हैं, और अगर वो हाई रिस्क रणनीति नहीं अपनाते, ऊंचे जोखिम की रणनीति नहीं अपनाते, बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर अपना विस्तार करने की रणनीति नहीं अपनाते और वो थोड़ा इसमें संयम बरतते और वो के अंदर की कोशिश का समय और लेते, तो आज ये स्थिति नहीं होगी। आज भारतीय अर्थव्यवस्था भी उनकी वजह से खतरे, आज भी जीवन बीमा निगम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक भी खतरे का सामना नहीं कर रहे होते। मैंने अपने बेटे के नाम LIC में पॉलिसी करा रखी है, इसका मैं पिछले 15 साल से किश्त अदा कर रहा हूं। अगर LIC का भट्टा बैठता है तो मेरे जो मैंने पैसे अदा किए हैं वो तो सारे के सारे गए, और मेरे बेटे के भविष्य का क्या होगा, इस बात का जवाब कौन देगा। आप मुझे राष्ट्रवाद का रिकॉर्ड दिन रात सुनाइए 24 घंटे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जयशंकर साहब जो कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, उसको एक कान से सुनना चाहिए, दूसरे से निकालना चाहिए। सीधी बात सरकार को यह बताना चाहिए और सरकार समर्थक लोगों को बताना चाहिए कि LIC का शेयर जो, जिसका मूलधन 11% कम हो गया है, उसका निदान क्या है। अब तो स्टेट बैंक भी मांग रहा है ना अदाणी से कि भाई आप और ज्यादा प्रतिभूतियां, यानी और ज्यादा कोलेटरल रखिए। आखिरकार ये लोग क्यों मांग रहे हैं। आप आज जब सेबी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करता है और कहता है सेबी कि हम लोग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर कौन भरोसा करेगा। मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक पूछ लिया होगा या वो जल्दी ही पलट कर पूछेगा कि भाई अगर आप ठीक काम कर रहे होते तो ऐसी स्थिति क्यों आती। जी
एक और एक बड़ा प्रश्न, हालांकि अडानी जी पे एक दो प्रश्न थे, मैं छोटा सा एक बहुत छोटा उत्तर ले लूं। हर्ष, इससे पहले जो शेयर मार्केट का हेरा फेरी थी उसमें हर्षद मेहता सबसे प्रमुख हम लोगों की याद में है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि हाँ नहीं लेकिन हर्षद मेहता मैं इसलिए कि वो पकड़े गए, उनको जेल में डाला गया और जिसके जहां उस रिजीम में डाला जहां पे जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई ये उन्होंने घूस दिया इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक चीज फैक्ट है कि हर्षद मेहता ने कोई एक, एक, एक नियम का कुछ था जिसका फायदा उठाया। यहां पे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, यहां तो बिना बिना सरकार के या सरकार के लोगों के मिली भगत से जो अडानी जी काम किए वो हो ही नहीं सकता, अब तो स्पष्ट हो रहा है। तो इस पे इसका जमाना जो था, या मैं कहता हूं केतन पार एक मंदड़ीय थे जी, वो उस नीति से घोटाला करते थे और हर्षद मेहता तेजड़िए थे, वो उस नीति से घोटाला करते जी। उस जमाने में और आज के जमाने में एक बुनियादी फर्क है, वो बुनियादी फर्क ये है कि उस जमाने में भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में उस तरीके से नहीं जुड़ पाई थी जिस तरीके से आज जुड़ी हुई है। हर्षद मेहता का जमाना तो भूमंडलीकरण की शुरुआत का जमाना था जी, उस भारत शेयर बाजार भी भारतीय अर्थव्यवस्था भी सब चीज ही रही थी करना, तो उसका पूरा फायदा उठाया हर्षद मेहता ने और अपना गड़बड़ घोटाला उन्होंने किया। और ये बीच का जमाना था सक्रिय, आज स्थिति यह है कि भारत का प्रत्येक पूंजीपति, भारत के सभी कारपोरेट घराने, भारत की समूची अर्थव्यवस्था ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है। एक कहीं पे एक पूरी श्रृंखला है, इसमें एक कड़ी कहीं टूटती है तो उसका पूरा असर पूरी श्रृंखला पे पड़ता है और हर चीज पे पड़ता है, और सब आप रोक नहीं सकते उस पूरे मामले में। एक तरह की वो इस तरह की बात है कि जैसे कुछ आजकल के फ्लैट होते हैं, एक दरवाजा खोलिए तो सारी खिड़कियां खड़कती हैं, हैं? बिल्कुल उसी तरह की स्थिति है। इसलिए जो अदानी वाला मसला है वो उन दोनों मसलों के मुकाबले बहुत ज्यादा गंभीर है, और सरकार जितनी जल्दी इस मसले पे अपने आप को साफ साफ सुथरा पेश कर पाएगी उतना ही सरकार के लिए ठीक होगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। मैं यहां फिर कहता हूं, देखिए विपक्ष इसके ऊपर जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा। मैंने आपके मंच पे भी कहा है, दूसरे मंचों पे भी कहा है, कांग्रेस को विपक्ष के नेता के तौर पर बहुत जल्दी ही सामने आकर इस पूरे मसले पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। यहाँ श्वेत पत्र नाम से अगर आपको चिड़ है तो उसको छोड़ दीजिए, पूरी बात साफ तौर पर सरल भाषा में जनता के सामने आने चाहिए। उसमें आंकड़ा होना चाहिए कि LIC ने जनता से इस बीच में इतना पैसा लिया बीमा के चलते, इस पैसे के इतने हिस्से को अडानी में लगाया गया और आज वो पैसा कहाँ था जो लगाया गया था, आज वो किस स्थिति में है, और क्योंकि अभी कोई सीमा नहीं है। अडानी के शेयर लगातार गिर रहे हैं, प्रतिदिन उनके शेयरों में गिरावट हो रही है, और वो अखबार वाले वो समीक्षक जो उनके शेयरों में हुई गिरावट और उससे होने वाले नुकसान को कुछ दबी जुबान से पेश करते हैं वो भी अब मजबूर है उनको पहले पन्ने पर छापने के लिए, क्योंकि आखिरकार हकीकत को आप कब तक छिपाएंगे। मैं एक और अब आगे बढ़ूंगा क्योंकि कांग्रेस का नाम आया है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से 3 क्वेश्चन रोज जारी होते हैं लेकिन कहीं मीडिया उसको उसको छापती भी नहीं है ना दिखाती है। खैर मैं एक चीज और आ रहा हूं, कांग्रेस का प्लीनरी या उनका महाअधिवेशन रायपुर में शुरू हो गया है, इसमें प्रो साहब ये बताइए कि इसको अगर ये महाअधिवेशन हो भी जाता, चुपचाप हो जाता, जैसी अभी हालत है कि कांग्रेस रोज 3 प्रश्न पूछती है अडानी पे, कहीं रिपोर्ट भी नहीं होता है, उसी तरह से शायद महाअधिवेशन की भी हालत हो जाती। लेकिन महाअधिवेशन से पहले रायपुर में ईडी रेट और उससे बड़ा जो पवन खेड़ा का ये था, तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि बीजेपी इस चक्कर में है क्या कि ये थोड़ा इसको लाइमलाइट में आए, इसको ज्यादा पता लगे, क्यों मतलब ये क्यों किया गया? देखिए आजकल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, तो पवन खेड़ा का ही मसला आप लीजिए, या वो यूपी में काबा कहने वाली जो राठौर, उसके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है आप उसको लीजिए। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमदर्दी रखते हैं और दिन रात मीडिया मंचों पर एंकर के रूप में उसकी वकालत करते हैं और प्रोग्रामों की प्लेट इस तरह सजाते हैं कि सारी चीज भाजपा के पक्ष में है, वो लोग भी इससे खुश नहीं है। वो लोग भी पूछ रहे हैं भाई ये सब करने की क्या जरूरत है, आप नेहा राठौर के खिलाफ FIR आपने क्यों दर्ज कराई, पवन खेड़ा ने ऐसा कौन सा गजब किया था कि आपने हवाई जहाज से उतार के उनको पकड़ने की पकड़ा आसाम में जाकर। तो ये सब बातें, देखिए ये सब बातें बूमरैंग कर रही हैं और ये सब भाजपा के खिलाफ जा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है जिन दिनों 2002 में गुजरात में मुसलमान विरोधी हिंसा चल रही थी
और रोज टीवी पे आता था कि आज इतने लोग मारे गए, आज इतनी आगजनी हो गई, ये सब जो है, तो मेरे घर में लोग बैठे हुए टीवी देख रहे थे और उसमें से दो तीन जो हमारे रिश्तेदार थे वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े भारी समर्थक थे। मोदी जी का तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई नाम नहीं था, तो लोग जानते भी नहीं थे उस वक्त गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है, पूछा जाए तो लोगों को सोचना पड़ता था कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है। तो वो तीन चार दिन हमारे साथ रहे, रोज वो शाम को टीवी देखते थे, रोज इस तरह की खबरें आती थी, और वो बड़ा वो हिंदुत्व प्रेमी और भाजपा समर्थक थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई ये तो हद हो गई, सरकार को ये सब रोकना चाहिए, ये क्या बात है कि रोज आप मारा मार लगे हुए हैं, रोज हत्याएं कर रहे हैं, रोज आगजनियां कर रहे हैं, तलवारों से काटा जा रहा है लोगों को, औरतों के साथ ये हो रहा है वगैरह वगैरह। तो यानी वो व्यक्ति जो कि हिंदुत्व का सपोर्टर था वो भी विचलित हो गया उस निरंतर हत्याकांड की रिपोर्टिंग से। तो सरकार भी जानती है और टीवी भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि अगर सही रिपोर्टिंग होने लगेगी तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत बढ़ जाएगी। यहां तक कि जो मोदी के बहुत सारे समर्थक हैं उनमें से कुछ एक दीवाने समर्थकों को छोड़कर बाकी लोग भी सवालिया निशान लगाने लगेंगे। इसलिए सरकार मीडिया मैनेजमेंट को बहुत प्राथमिकता देती है, इसीलिए कोई भी किसी भी मीडिया मंच पर जरा भी सरकार के खिलाफ कोई बात होती है फौरन फोन पहुंच जाता है वहां पर। आप किसी भी टीवी चैनल में पूछिए, टीवी चैनल के जो संपादक लोग हैं, जो बड़ी हस्ती होते हैं, चैनल हेड वगैरह हैं या डिप्टी हेड है, आप उनसे पूछिए तो वो कहते हैं साहब कुछ भी बोला जाए फौरन फोन आ जाता है कि ये क्यों बोला गया, अब तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आखिरकार हम बोले क्या। वो अशोक वाजपेयी जी ने कल कहा है कि मुझे बुलाया गया था और मुझसे फिर फोन आया कि भाई ऐसा कुछ मत पढ़ दीजिएगा या कह मत दीजिएगा जो सर, तो उन्होंने कहा कि फिर मैं नहीं आऊंगा। ये तो कल का खुलासा है। खैर, मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि और दर्शकों को भी बता दूं कि 2002 के गोधरा जो जिसकी वजह से आज ये सरकार यहां बैठी हुई है, 2004 का इलेक्शन बीजेपी हार गई थी, दर्शकों को याद रहना चाहिए इसलिए क्योंकि लोग अति के बाद लोगों को लगता है जैसा प्रोफेसर साहब आप कह रहे हैं कि बस बहुत हुआ। नहीं, मैं एक और चीज, काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, कांग्रेस को बिना बात के वो लाइमलाइट मिल रही है जो हम सब लोगों को लगता था कांग्रेस को कुछ करना चाहिए, वो खुद कुछ नहीं कर रही है लेकिन बीजेपी उससे करवा दे रही है। तो वो आप देखिए ना, जो हमारे जिस वजह से गुस्सा हुए थे मोदी जी या भाजपा, वो दो तीन दिन से वो ट्रेंड कर रहा है, वो नाम भाई नंबर वन ट्रेंड है सोशल मीडिया पे, वो जो अब उसका नाम वो उनके पिता के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है, सिर्फ वही नाम करके वो ट्रेंड करा दे रहे हैं। तो जिसको आप चाहते थे कि ना हो वो उल्टा हो जा रहा है, ये एक समस्या है, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा भाजपा को? मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी ही अपनी इस रणनीति पर दोबारा विचार करेगी, लेकिन चूंकि उन्हें अपनी सत्ता सुरक्षित दिखाई पड़ रही है, हो सकता है उन्हें विचार करने में देर लगे, जितना वो देर लगाएंगे उतना उनको नुकसान होगा। लगातार आप टीवी के ऊपर जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्तागण मोदी का बचाव करते हैं, सरकार का बचाव करते हैं, और वो जब कोई किसी चीज का बचाव नहीं कर पाते तो वो कहते हैं हमें मोदी जी पे महादेव की कृपा है। अब आप क्या कीजिएगा, अगर किसी चीज का बचाव नहीं कर पाएंगे तो वो कहेंगे मोदी जी पे महादेव की कृपा है, अब इसका तो कोई जवाब होता नहीं है इन बातों का। तो ये इसको आप काउंटर प्रोडक्टिव होना कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये प्रक्रिया चल रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी ने जल्दी ही सचेत होकर इस पूरी प्रक्रिया की ठीक से जांच पड़ताल करके इसमें संशोधन नहीं किया तो उनको समस्याएं साफ दिखाई देने लगेंगी। जी, मैं एक शिवसेना का मामला अभी हुआ है, जो शिवसेना को शिंदे जी को असली शिवसेना घोषित कर दिया गया है और उसकी वजह से सारे ऑफिस और सारा जो बैंक है वो उनके कंट्रोल में आ जाने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इश्यू नोटिस कर दिया है, लेकिन जैसा लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड पे शायद इससे उद्धव ठाकरे जी को फायदा हो रहा है। कल हालांकि आम आदमी पार्टी के सब लोग गए भी थे वहां, कुछ एक लूज सा गठबंधन की भी बात हो रही है, थोड़ा इस पे एक आपका समझ लें। देखिए, ये पटकथा तो जैसी लिखी गई थी बिल्कुल हूबहू वैसी की वैसी चल रही है। चुनाव आयोग ने इस पटकथा में वही भूमिका निभाई है जो भूमिका उसके लिए पटकथा लेखक ने लिखी है। पटकथा लेखक कौन है ये हमें पता। इस पटकथा में केवल गड़बड़ी तभी हुई थी जबकि शिंदे को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, ये पटकथा में लिखा हुआ नहीं था। जी, ये एक इस तरह का मोड़ था जो अनपेक्षित था भारतीय जनता पार्टी के लिए और फडणवीस को उसमें उप मुख्यमंत्री पद पर संतोष करना पड़ा। उस वक्त जो घटनाक्रम हुआ था, जिस तरह फडणवीस नाराज हुए थे, जिस तरह अमित शाह का फोन गया था और जिस तरीके से उनको मजबूर किया गया था कि वो मुख्यमंत्री पद स्वीकार करें, देखिए
शिंदे को तो इतिहास, शिंदे को इस्तेमाल करके शिवसेना को तोड़ने के लिए शिंदे को इस्तेमाल किया जाना था और उसके बाद शिंदे को कूड़ेदान में फेंक दिया जाना था और भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पर और कम से कम मुख्यमंत्री पद भाजपा को मिलना चाहिए था, हुकूमत मिलनी चाहिए थी, ये थी पटकथा। लेकिन बाद में इस पटकथा में परिवर्तन किए गए, फिर ये परिवर्तन हुआ कि अब शिंदे गुट को जो है वो असली असली शिवसेना साबित करना है, ताकि उद्धव के हाथ से बाला साहब ठाकरे की जो लीगेसी है, उनकी विरासत है, वो छिन जाए, तो वो कर दिया गया है। लेकिन इसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जैसे आप एंटीबायोटिक खाते हैं एक समस्या को हल करने के लिए, लेकिन दूसरी समस्या आपको कब्ज हो जाता है, आपको जुकाम ठीक हो जाता है लेकिन उधर आपको कब्ज हो जाता है, तो ये इसी तरह की स्थिति है। अब चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया है, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, लेकिन वहां पर जमीन पर क्या होगा, इससे मेरा मानना है कि उद्धव ठाकरे को बहुत बड़े पैमाने पर शिवसेना का जो पारंपरिक आधार है उसमें उन्हें बड़े पैमाने पर हमदर्दी प्राप्त होगी, और वो हमदर्दी प्राप्त हो जाने, जब अगर उन्हें हमदर्दी मिलनी शुरू हो गई तो हम जिस हमदर्दी की भी एक चेन होती है, आप देखिए वो भी उसकी भी हमदर्दी भी स्नोबॉल होती है जी जी, तो फिर बहुत शिंदे के हाथ से जो है वो मुख्यमंत्री जरूर रह जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उनके हाथ से शिवसेना जिसको असली शिवसेना कहते हैं उसका दायरा और उत्तरोत्तर सिकुड़ता जाएगा, तो इसके इसके इसका पूरा अंदेशा है जी। और मेरे हिसाब से तो अगर वो स्नोबॉल इफेक्ट या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं अगर वो हुआ तो केवल शिवसेना ही के वोटर नहीं, मुझे लगता है जो हिंदुत्व के बीजेपी के वोटर हैं वो भी प्रभावित कहीं ना कहीं हो जाएंगे। अच्छा एक अंतिम प्रश्न चलते चलते, इसलिए कि वो इंपॉर्टेंट है आज देश के लिए, पंजाब में एक अजीब सी चीज हुआ है कि एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जो वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है ठीक से, बीएसएफ को कहा गया है अभी चेंज किया गया था रूल की वो 50 किलोमीटर अंदर तक देखेगी, और वहां पे एक नए अमृतपाल जी आ गए हैं और वो एक खालिस्तान की मांग को जिस तरह से उठा रहे हैं और जिस तरह से थाने को घेर रहे हैं वो चिंताजनक है। और अमृतपाल जी नए नहीं है, अमृतपाल जी बहुत दिनों से वहां पर सक्रिय हैं और उनको एक नए भिंडरांवाला के तौर पर देखा जा रहा है, जो दीप संधु थे जो पंजाबी एक्टर थे जिनका किसान आंदोलन के दौरान विवाद हुआ था, उनके खिलाफ FIR वगैरह दर्ज हुई थी, फिर वो फरार हुए थे, पिछले दिनों उनका दुर्घटना में देहांत भी हो गया, हाँ तो उन्हें दीप संधु का उत्तराधिकारी भी माना जा रहा है, तो वो जिस तरीके से जब ये है ये संकट मैं मानता हूं कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ सरकार के सामने खड़ा हुआ है, इसको बहुत नाजुक मामला है, इसको बहुत ही कुशलता से उन्हें निपटाना है, इसको इंदिरा गांधी जैसी जो चतुर राजनेता थी और जो देश की प्रधानमंत्री थी इनके पास संसाधन बहुत थे, इनके हाथ में सारे पत्ते हुआ करते थे इंदिरा गांधी के हाथ में, वो भी उन्होंने भी जब जनरल सिंह भिंडरांवाला नाम का पत्ता चला तो उसके बाद उनका इंदिरा गांधी का क्या हश्र हुआ, आज तक देश उसको भुगत रहा है, जो सुरक्षा सिंड्रोम है, जो ब्लैक कैट कमांडो है, ये सब जो होता है पूरा ये पंजाब के उस घटना से पहले कहीं नहीं था, भारत बिल्कुल अलग तरह का था, पंजाब में आतंकवाद के बाद भारत पूरी तरीके से बदल गया, वो पूरा आतंकवाद जो है वो भारतीय राजनीति के लिए, भारतीय सार्वजनिक जीवन के लिए, सबके लिए गेम चेंजर साबित हुआ, तो ये बहुत ही सावधानी से इसमें कदम बढ़ाने होंगे और निर्णायक तरीके से नीति बनाकर और इसमें केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि इसमें आप मैं सिर्फ साहब ये कहूं क्योंकि जो आपने बात कही शायद वही मैं कह रहा था, इसमें केंद्र और स्टेट और राज्य सरकार को एक मतलब वो दो दिख भी नहीं सकते हैं, लेकिन राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ये है, अभी वहां के पंजाब के गवर्नर सेशन ही नहीं बुला रहे हैं, वो एक अलग उनका एजेंडा चल रहा है, वो उसमें तंग करने में लगे हुए हैं कि मुझे कहा गया है कि इनको तंग करो तो मेरा काम है इनको तंग करते रहना, ये जो हो रहा है ये शायद या तो हमारे देश का जो प्रेजेंट नेतृत्व है उसको समझ नहीं पा रहा है या अनजान बन रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं एक जल्दी से एक क्विक टिप, भाई मोदी जी तो सहकारी संघवाद की चर्चा करते हैं, तो ये हो रहा है, ये सहकारी संघवाद के ऊपर अपने आप में एक टिप्पणी है, आप इसी से अंदाज लगा लीजिए कि सहकारी संघवाद की वास्तविक जमीन क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नया हथकंडा ईजाद किया है, इस पर हम लोग पब्लिक इंडिया के मंच पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और ये हथकंडा ये है कि सरकारों को संविधान के अनुच्छेद का फायदा उठाकर कांग्रेस की तरह गिराओ मत, लेकिन सरकारों को राज्यपाल की इंस्टीट्यूशन का की मदद लेकर काम न करने दो, और एक तरह से पैरेलल जो राजभवन है उसको
एक पैरेलल सेक्रेटरिएट बना दो, एक समांतर सरकार की तरह राज्यपाल काम करता रहे और वो उसकी उस वो अघोषित रूप से घोषणा तो कर नहीं सकते, वो एक कार्यकारी भूमिका में आ जाए। राज्यपाल की भूमिका एग्जीक्यूटिव नहीं होती, कार्यकारी भूमिका नहीं, कार्यकारी भूमिका में आ जाए। जल्दी आप वो इन्हें पंजाब के राज्यपाल को वो करते हुए देखेंगे जो कि पश्चिम बंगाल में आदरणीय जगदीप धनखड़ जी किया करते थे। वो फिर मौके मौके का मुआयना करने के लिए निकल पड़ते थे, खुद जांच पड़ताल करने लगते थे, प्रशासन से सीधे सीधे बातचीत करने लगते थे, सरकार के जरिए बात करने या सीधे बातचीत करने लगते थे। तो पंजाब में भी वो नजारा सामने आने वाला जी। क्योंकि ये खराब स्थिति है, खास करके जहां पे सेंसिटिव चीजें हैं जिसका रिपरकशन शायद अगली सदियां चुकाएंगी अगर हम लोग उसको ठीक से नहीं हैंडल किए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।